तो प्यारे प्यारे बच्चों आज हम करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास नाइन और यूनिट नंबर फोर की एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर है और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अच्छा तो बच्चों पहले मैं ना आपको वो तरीका बताता हूँ जिस तरह ये सवाल किए जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसके अंदर हमने एक बटे एक्स वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका तरीकाकार क्या होगा एक्स आपको ये सामने दे दिया गया है एक्स को आप एक बटे एक्स यानी वन ओवर एक्स बनाएंगे तो दूसरी तरफ जो रकम होगी ना वो भी ओवर में बटे में चली जाएगी यानी वन ओवर जैसा कि पहला पार्ट है वन ओवर टू माइनस अंडर रूट थ्री हो जाएगा अब चूंकि अंडर रूट जो है बटे में आ गया है इसी को ही हमने रैशनलाइज करना है इसी का अंडर रूट खत्म करना है तो उसका तरीका कार क्या होगा जो रकम एक्स वाली दे दी गई है ना इसका कांजुगेट लेंगे काजुगेट लेने का मतलब ये है कि जो अंडर रूट वाली रकम है उससे पहले जो साइन है वो चेंज करेंगे और इसी रकम से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे इस तरह जो बटे के अंदर है नीचे अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम जो मज़ीद काम करना है वो भी कर लेंगे इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसके अंदर भी बटे में आपको अंडर रूट वाली रकमें नज़र आ रही हैं अंडर रूट वाले नंबर आ रहे हैं इनका तरीका क्या है देखा करें कि अंडर रूट में जो पहला नंबर है पहले जैसा है दूसरा दूसरे जैसा है एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है तो आपने पहले ही इसका एल्शियम यानी जो अजाफिया कल ले लेना है अगर ऐसा नहीं है तो पहले इनको भी रैशनलाइज करेंगे यानी बटे से अलहदा अलहदा अंडर रूट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद प्लस माइनस या प्लस करना है या माइनस करना है तमाम रकमों के बटे से अंडर रूट को ख़त्म करते हुए प्लस माइनस करके इनको हल कर देंगे तो बटे से अंडर रूट खत्म करने का तरीकाकार ये है पहले भी बता दिया मैंने के अंडर रूट के दरमियान यानि अंडर रूट से पहले जो साइन है उसका साइन उल्ट लेते हुए आप उसी तरह की रकम से ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे इस तरह बटे से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मज़द जो रियाजी का अमल है वो हम करेंगे और इनको जमा और तफरी यानी प्लस माइनस करके आंसर ले आएँगे अब बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज़ की तरफ तो आओ बच्चों फिर हम क्वेश्चन नंबर थ्री जो है एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर का व शुरू करते हैं लिखा हुआ है अगर एक्स इक्वल है टू माइनस अंडर रूट थ्री यानी एक्स बराबर है दो माइनस अंडर रूट तीन हो तो वन ओवर एक्स यानी एक बट एक्स की, की कीमत मालूम करनी है एक्स हमें क्या दे दिया गया है एक्स इक्वल है टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स किसकेक्वल है टू माइनस अंडर रूट थ्री तो सबसे पहले तो हमने वन ओवर एक्स के मालूम करना है तो क्या करते हैं एक्स को भी बटे में लिखेंगे और दूसरी तरफ जो रकम है उसको भी बटे में लिखेंगे तो एक्स को क्या कर दिया वन ओवर एक्स कर दिया एक बटे एक्स कर दिया आगे इक्वल का साइन है ना वो भी लगा दिया और उसके बाद जो आगे वाली रकम है टू माइनस अंडर रूट थ्री इसको भी बटे में लिख दिया तो दरमियान में माइनस है एक बटे एक्स बराबर है एक बटे टू माइनस अंडर रूट थ्री अब अंडर रूट जो बटे में आ गया है इसको ख़त्म करना है तो दरमियान में साइन क्या है माइनस है यानी अंडर रूट वाली रकम का साइन क्या है माइनस है इसका कांजुगेट लेंगे तो वो क्या होगा टू प्लस अंडर रूट थ्री तो इसका उल्ट यानी साइन लेंगे और इसी तरह की रकम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो वन ओवर एक्स हमने उसी तरह लिख दिया दूसरी तरफ रकम क्या है वन ओवर टू माइनस अंडर रूट थ्री ये जो माइनस का साइन है इसको उल्ट किया यानी कांजो के एट लिया तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये बन जाएगा टू प्लस अंडर रूट थ्री इसी से क्या करना है फिर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है यानी ऊपर क्या लिखा टू प्लस अंडर रूट थ्री जो कि माइनस का उल्ट है नीचे भी क्या लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे टू प्लस अंडर रूट थ्री यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी किसके टू माइनस अंडर रूट थ्री के कांचो से तो वन और एक्स जो है ये तो उसी तरह आ गया वन क्या करेगा टू प्लस अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा जर्ब होगा वन जिससे भी मल्टीप्लाई होना उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो क्या होगा वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम टू प्लस अंडर रूट थ्री से तो क्या आ जाता है टू प्लस अंडर रूट थ्री ही आ जाता है नीचे पहले टू है पहला टू है फिर दूसरा मेंबर थ्री अंडर रूट थ्री है पहले के दरमियान में माइनस है और दूसरी रकम के दरमियान प्लस है तो फार्मूला कौन सा लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है पहले मेंबर का स्केयर फिर माइनस का साइन आता है फिर उसके बाद सेकंड मेंबर जो है उसका स्केयर तो क्या है पहला मेंबर टू सी तरह दूसरा मेंबर प्लस अंडर उट थ्री वन ओवर एक्स उसी तरह ये तो उसी तरह लिख दिया जाएगा यानी टू प्लस अंडर रूट थ्री नीचे टू का स्केयर क्या बनेगा टू टू द 4 दो दूनी चार तो बटे में क्या लिखेंगे फो, फोर लिख देंगे उसके बाद आगे आज अंडर रूट थ्री है उसका स्केयर है ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो गया कैंसल हो गया तो क्या रह गया माइनस का साइन और रह गया जी थ्री तो फोर टू का स्केयर फोर माइनस अंडर रूट से स्केयर रूट से स्केयर कैंसल हो गया तो क्या आ गया माइनस थ्री आ गया इसके बाद क्या करेंगे जी वन ओवर एक्स उसी तरह टू प्लस अंडर थ्री बटे के ऊपर उसी तरह अब फोर में से थ्री को ना माइनस कर दें तो फोर माइनस थ्री वन आ गया जब किसी नंबर को वन पे डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता इस तरह वन ओवर एक्स यानी एक बटे एक्स हमारे पास आ गया है टू प्लस अंडर रूट थ्री वन ओवर एक्स क्या आ गया है टू प्लस अंडर रूट थ्री बटे में वन आया था वन लिखा नहीं जाता तो असल मकसद ये है कि ओवर से बटे से अंडर रूट खत्म हो गया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर दो है जी एक्स इक्ल है फोर माइनस अंडर रूट सेवनटीन क्या है अगर x इक्वल है x बराबर है फोर माइनस अंडर रूट सेवनटीन हो तो वन ओवर एक्स की कीमत मालूम करें तो उसी तरह का है जिस तरह का पहला पार्ट हमने किया ना वही है एक्स क्या दिया हुआ है एक्स इक्वल है फोर माइनस अंडर रूट सेवनटीन तो फाइंड क्या करना है मालूम क्या करना है वन ओवर एक्स तो हमने ये जो रकम दे दी गई है एक्स को बटे में लिखा वन ओवर एक्स हो गया दूसरी तरफ वन लिखा नीचे फोर माइनस अंडर रूट सेवनटीन भी लिख दिया अब इसको रैशनलाइज करना यानी बटे से अंडर रूट ख़त्म करना है तो जब अंडर रूट ख़त्म कर देंगे ना तो फिर इसको हल करना आसान है तो उसका तरीका कार क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल लेंगे तो ये जो फ़ोर और अंडर रूट सेवनटीन के दरमियान साइन है माइनस का इसको उल्ट करेंगे और माइनस है तो प्लस वाला साइन आएगा मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे तो ऊपर फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन नीचे भी फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर दिया इसके बाद क्या है जी वन को मल्टीप्लाई किया फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन से तो ये तो वो ही आ जाएगा यानी वन ओवर एक्स उसी तरह वन को फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन आ गया नीचे फोर फोर पहला मेंबर सेम है दूसरा मेंबर सेम है, एक दफा माइनस है और प्लस है तो वही फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला पहला मेंबर फोर है तो फोर का स्केयर ले लिया आगे माइनस का साइन आएगा सेकंड मेंबर अंडर रूट सेवनटीन है तो उसका भी हमने स्केयर ले लिया तो अब स्टूडेंट ये जो लेफ्ट साइड पे है ना वन ओवर एक्स ये उसी तरह रहेगा बटे के ऊपर वाली रकम भी उसी तरह रहेगी फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन और नीचे फोर का स्केयर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा जी फोर का स्केयर क्या आएगा सिक्सटीन आ जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर सिक्सटीन आगे माइनस का साइन उसी तरह स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो क्या रह गया सेन सत्रह रह गया है तो वन ओवर एक्स स्टूडेंट्स उसी तरह आया आगे इक्वल का साइन हमने डाला फोर भी उसी तरह आएगा प्लस अंडर रूट सेवनटीन भी उसी तरह आएगा तो फोर प्लस अंडर रूट सेवनटीन को हमने उसी तरह लिख दिया नीचे क्या है सिक्सटीन माइनस सेवनटीन सोलह माइनस सत्रह तो सेवनटीन बड़ा है उसका साइन माइनस है वो लगाएंगे और Uh, 17 में से सोलह माइनस करें तो वन आ जाता है इस तरह सिक्सटीन माइनस सेवनटीन माइनस का वन आ गया अब माइनस का वन भी खत्म करना है स्टूडेंट्स ये पता है कैसे होगा ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे यानी वन पे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो नीचे बटे में माइनस है वो ऊपर वाले साइन चेंज कर देगा इस तरह हमारे पास वन ओवर एक्स इक्वल हो जाता है फोर प्लस का था ये माइनस के साइन ने डिवाइड किया तो माइनस फोर हो गया और फिर प्लस अंडर रूट सेवेंटीन था इसको भी माइनस पे डिवाइड किया तो ये भी माइनस अंडर रूट सेवनटीन आ गया है और यही हमारा वन ओवर एक्स जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है माइनस फोर माइनस अंडर रूट सेवनटीन बटे में अंडर रूट नहीं रहा इस तरह ये हमारा रैशनलाइज हो गया है वन ओवर एक्स का करेक्ट आंसर आ गया है तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं पार्ट नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं ये थोड़ा सा आजाफी है पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है अगर एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अगर एक्स जो है इक्वल है अंडर रूट थ्री प्लस क्या है प्लस टू है हो तो एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू फाइंड हमने करनी है तो स्टूडेंट्स एक्स क्या दे रखा है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस टू है तो फाइंड क्या करना है एक्स प्लस वन ओवर एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या लिखी है? हमने थ्री प्लस प्लस टू एक्स एक्स वन ओवर हमने फाइंड करना है तो वन ओवर एक्स हमें चाहिए जैसा के पीछे हमने हल हल्की एक्स तो दे दिया गया है वन ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम जो एक्स की वैल्यू दे रखी है ना अंडर उ बटे में लिखते हैं वन ओवर एक्स लिख दिया और राइट right साइड पे वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस टू बी लिख दिया अब चूँकि बटे में क्या आ गया है अंडर रूट आ गया है इसको ख़त्म करना है तो रैशनलाइज करेंगे यानी इसी का कांजू लेंगे और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे

डिवाइड भी कर दिया तो वन ओवर एक्स उसी तरह आ जाएगा दूसरी तरफ वन से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट थ्री माइनस टू उसी तरह नीचे अंडर रूट थ्री प्लस टू है अंडर रूट थ्री माइनस टू है तो पहले मेंबर का स्केयर माइनस है दूसरे मेंबर का स्केयर फार्मूला लगेगा पहला मेंबर क्या है अंडर रूट थ्री है उसका स्केयर लेंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे फिर उसके बाद क्या है टू है टू का हम स्केयर लेंगे तो अंडर रूट थ्री का स्केयर ले लिया माइनस टू का स्केयर ले लिया अब वन और एक्स तो उसी तरह बट एक ऊपर वाली रकम में कोई चेंज नहीं आएगी अंडर रूट थ्री माइनस टू ही आ गया ना बच्चों नीचे अलहदा अलहदा स्केयर है तो हमें पता है ना ये जो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं हमने कैंसिल कर दिया तो क्या रह गया हमारे पास थ्री रह गया आगे माइनस का साइन है लिख दिया टू का स्केयर क्या होता है ये तो याद टू मल्टीप्लाइड बाई टू 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 द फोर आ जाता है तो आगे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे ये जो वन ओवर एक्स है इसने तो आना है उसी तरह ही ये हम आगे उसी तरह ही लिखेंगे जबकि राइट साइड के अंदर जो प्लस माइनस करना है वो प्लस माइनस करके हम हल करते हैं तो क्या है वन ओवर एक्स उसी तरह अंडर वुड थ्री माइनस टू भी उसी तरह थ्री माइनस फोर है नीचे क्या आ गया जी माइनस वन तो वन ओवर एक्स क्या हो जाएगा वन ओवर एक्स उसी तरह ही आएगा ऊपर अंडर उट थ्री माइनस टू जो है इसके नीचे माइनस वन है ना साइन चेंज हो जाएंगे अंडर थ्री माइनस का हो जाएगा जो माइनस टू था वो प्लस का हो जाएगा इस तरह वन ओवर एक्स हमारे पास आ गया माइनस अंडर थ्री प्लस टू तो हमने फाइंड क्या करना है एक्स प्लस वन ओवर एक्स वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस अंडर वोट थ्री प्लस टू एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले ही है तो क्या करेंगे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन और एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले दे रखी है उसने दी थी अंडर वोट थ्री प्लस टू ब्रैकेट जरूर लगाया करें अंडर वूट थ्री प्लस टू ये एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है उसने ये हमने लिख दिया आगे प्लस लिखें बच्चों प्लस लिख दिया तो वन और एक्स की वैल्यू क्या है माइनस अंडर थ्री प्लस टू ब्रैकेट लगा के ये लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा दी माइनस अंडर रूट थ्री प्लस टू अब ब्रैकेट को हल करेंगे ना तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स अंडर रूट थ्री उसी तरह प्लस का टू उसी तरह माइनस अंडर रूट थ्री आ गया प्लस माइनस माइनस ही होता है आगे प्लस टू आ गया तो हम देख रहे हैं अंडर रूट थ्री प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया ना अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री से कैंसिल हो गया अब एक्स प्लस वन एक्स तो राइट साइड पे टू प्लस टू कितना हो गया है फोर हो गया है इस तरह एक्स प्लस वन ओवर एक्स का जो आंसर हमारे पास आया है वो टू प्लस टू फोर आ गया है और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है इस तरह क्वेश्चन नंबर थ्री के हमने तीनों पार्ट्स को हल कर दिया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है मुख्तर कीजिए सिंपलीफाई वन प्लस अंडर रूट टू ओवर अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री एक जमा दो का जजर बटे में पाँच का जज़र जमा तीन का जजर फिर जमा एक माइनस दो का जजर बटे में पाँच का जज़र माइनस तीन का जजर तो हम यहाँ एल लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं पहला मेंबर पहले जैसा है और सेकंड मेंबर सेकंड जैसा है रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे वो इसलिए कि एलसीएम लेने से जुआाफिया का लेने से ये आसानी से हो जाता है क्योंकि मेंबर्स सेम है साइन उल्ट हैं तो नीचे अलीहद आलहदा स्केयर बन जाएंगे ये खास ख्याल रखना है जब बटे में, में मेंबर्स एक जैसे हों साइन उल्ट हों तो फिर एल्सीम लेना चाहिए जुआ फ का लेना चाहिए क्योंकि इस तरह मेंबर्स के अलहद अलीहदा स्केयर बनते हैं और स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमने एलसीयम ले लिया जुआ फिया का ले लिया अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री इन टू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री अब गौर से देखें ये जो एलसीएम है इसको अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री पर डिवाइड करते हैं तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा ये क्या रह गया अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री ये क्या कर गया ऊपर वन प्लस अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई कर दिया यानी फिर देख लें ये जो एल सी एम में है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इसको ये पहले बटे पे डिवाइड किया ये प्लस वाला कैंसिल माइनस वाला रह गया माइनस वाला ऊपर वाली रकम वन प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया आगे जमा का साइन लगा दिया इधर फिर इस बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री ये कैंसिल हो गया नीचे बाकी क्या बचा अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री ये ऊपर वाली रकम वन माइनस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई कर दिया अब अगले स्टेप में बटे में क्या है पहला मेंबर पहले जैसा है सेकंड सेकंड जैसा है एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है ये अलहदा अलीहदा स्केयर बन गया अंडर रूट फाइव का अलहदा स्केयर माइनस अंडर रूट थ्री का अलहदा स्केयर अब बटे के ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी देखिएगा पहले ये वन है ना वन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री से तो वन जिससे भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है इसलिए क्या आ गया अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री उसके बाद अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करना है जी 5 से मल्टीप्लाई किया आपको नज़र आ रहा है दो हज़ार पाँच अंडर रूट दो इकट्ठा लिख दिया ना मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट में दो नंबर हो तो उनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है तो टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव दो हज़रब पाँच एक ही अंडर रूट में इसके बाद अंडर रूट दो को अंडर रूट तीन से भी मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है माइनस आएगा अंडर रूट टू जर थ्री तो दो हज़रब तीन ये लिख दिया ये मल्टीप्लीकेशन होगी मुकम्मल इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई करें वन मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा अंडर रूट फाइव प्लस रूट थ्री आ गया फिर माइनस अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस आगे भी प्लस है माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया फिर अंडर रूट में जो दो है ये अंडर रूट तीन से मल्टीप्लाई हो गया लो जी अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये माइनस का अंडर रूट थ्री है प्लस के अंडर रूट थ्री से कैंसिल हो गया बाकी आगे हम हल करते हैं जी तो बटे में चूंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो पाँच ही आ गया ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल तो माइनस तीन ही आ गया बटे के ऊपर अंडर रूट पाँच रह गया लिख दिया प्लस दो जरब पाँच और अंडर रूट में पाँच दो दस दस का अंडर रूट आगे माइनस का साइन है दो ज़रब तीन अंडर रूट छः बन गया माइनस का अंडर रूट छः हो गया फिर अंडर रूट पाँच उसी तरह आगे अंडर रूट थ्री तो कैंसिल हो गया था ना माइनस टू ज़रब टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव अंडर रूट में क्या है दो ज़रब पाँच तो ये भी माइनस का दस अंडर रूट आ गया आगे माइनस का छः अंडर रूट बन जाता है अब इनमें से देखते हैं क्या कैंसल हो रहा है तो ये माइनस के दस अंडर रूट और प्लस के ये कैंसिल हो गए बाकी ये अंडर रूट जो फाइव है ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है दो दफा आ गया तो हमने लिख दिया दो अंडर रूट पाँच इसी तरह माइनस अंडर रूट छः है और माइनस अंडर रूट ये भी दो दफा है लिख दिया माइनस टू अंडर रूट सिक्स तो गौर करें देखें तो इनमें दो कॉमन है दो कॉमन ले लिया फिर इधर क्या रह जाएगा अंडर रूट फाइव आगे माइनस का साइन अंडर रूट सिक्स दो कॉमन ले लिया है बटे में दो पड़ा हुआ है ये क्योंकि दो कैसे आया था पाँच में से तीन माइनस करें तो ये दो आया था ये दो उसी तरह दो से दो कैंसिल हो गया इस तरह हमारे पास रह गया जी अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट सिक्स और यही इस क्वेश्चन का सिंपल करके सादा करके आंसर है बटे में जजर नहीं रहा इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है अब बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर दो की तरफ ये क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर दो देख लें कुछ यूं है अच्छी तरह इसको हल करना है वन ओवर टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस टू ओवर अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री फिर प्लस वन ओवर टू प्लस अंडर रूट फाइव तो चूंकि बटे में मेंबर्स एक जैसे नहीं हैं इसलिए रैशनलाइजेशन करेंगे मखरज को नातक बनाएंगे एक बटे दो जमा अंडर रूट तीन उसी तरह ज़रब का साइन लगाया और इस साइन के उल्ट करके ये जमा वाला साइन है ना इसके उल्ट करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी यानी ये क्या था टू अंडर रूट प्लस थ्री था यानी टू प्लस अंडर रूट थ्री था ना तो टू माइनस अंडर रूट थ्री से जरब भी कर दिया टू माइनस अंडर रूट थ्री से तकसीम भी कर दिया यानी डिवाइड भी कर दिया प्लस आगे आगे वाली रकम है दो बटे अंडर रूट पाँच माइनस अंडर रूट तीन इसको भी जरब की अलामत लगाई बटे में अंडर रूट पाँच माइनस अंडर रूट तीन है तो प्लस का साइन लगा के जरब भी कर दिया तकसीम भी मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी आगे प्लस वन ओवर टू प्लस अंडर रूट फाइव है लिखा और ये प्लस का साइन है ना माइनस लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया आगे जी अगले स्टेप में वन मल्टीप्लाई होगा तो टू माइनस अंडर रूट थ्री वही आ गया नीचे वही बात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले मेंबर का स्केयर माइनस दूसरे पहला मेंबर दो है दो का स्केयर माइनस दूसरा मेंबर अंडर रूट तीन है उसका भी स्केयर आगे प्लस का साइन ऊपर दो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट प्लस अंडर रूट तीन तो दो को मल्टीप्लाई कर दिया दो इंटू जमा नीचे फिर अलहदादा स्केयर बनेंगे क्योंकि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस मेंबर्स एक जैसे हैं अंडर रूट पांच का स्केयर माइनस अंडर रूट तीन का स्केयर ये तीसरी रकम वन मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगी टू माइनस अंडर रूट फाइव नीचे अलहदा अलहदा स्केयर टू का स्केयर माइनस अंडर रूट फाइव का स्केयर आ गया अब इसके बाद ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल ये भी सार जहाँ भी स्केयर और स्केयर रूट हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद इनको मज़ीद हल करके लिखेंगे जी तो बटे के ऊपर टू माइनस अंडर रूट थ्री उसी तरह आ गया नीचे टू का स्केयर फोर माइनस स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल माइनस थ्री प्लस टू इंटू अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री उसी तरह नीचे अंडर रूट फाइव का स्केयर है स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल फाइव आ गया माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर है स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल माइनस थ्री आ गया आगे प्लस टू माइनस अंडर रूट पाँच नीचे टू का स्केयर फोर और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया माइनस फाइव आ गया इसके बाद बटे के ऊपर तो वही आ गया टू माइनस अंडर रूट थ्री चार में से तीन माइनस करें तो एक आ गया आगे प्लस बटे के ऊपर टू इंटू अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री उसी तरह नीचे पाँच में से तीन माइनस किए तो दो आ गया आगे प्लस दो माइनस अंडर रूट पांच उसी तरह चार माइनस पाँच है चार माइनस है पाँच यहां ख्याल रखना है माइनस का एक आ गया क्या आ गया माइनस का एक आ गया अब क्या होगा जी ये पहले दो माइनस अंडर रूट तीन एक पे डिवाइड हो रहा है तो वही आ जाएगा दो माइनस अंडर रूट तीन आ गया आगे ये दो से दो कैंसिल हो गया बाकी अंडर रूट पाँच प्लस अंडर रूट तीन उसी तरह आ गया और इधर क्या हुआ ये जो बटे में माइनस एक है ना ये ऊपर वाले साइन चेंज कर गया दो प्लस का था माइनस का हो गया और अंडर रूट पाँच माइनस का था ये प्लस का हो गया अब जरा गौर करें तो ये दो माइनस का है ये प्लस का कैंसल। अंडर रूट तीन माइनस का है प्लस का कैंसल तो रह क्या गया अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट फाइव अंडर रूट पाँच जमा अंडर रूट पाँच रह गया दोनों को हम जमा करते हैं जी तो बच्चों अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट फाइव एक जैसे मेम्बर्स हैं दोनों को ऐड किया तो इसका अद्धी सार कॉफिशेंट वन और वन ऐड हो गया तो इस तरह टू अंडर रूट फाइव हमारा आंसर आ गया है यहाँ भी बटे में स्केयर यानी स्केयर रूट जजर नहीं रहा इसलिए यह भी नातक हो गया है तो ये हमारा आने वाला आंसर करेक्ट आंसर है अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो चार है इसके तीसरे पार्ट की तरफ ये क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसका तीसरा पार्ट भी इस दूसरे जैसा ही है फ़र्क सिर्फ ये है कि एक जगह पर माइनस का साइन आ गया है तो वो भी हल हो जाएगा तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर तीन की तरफ और ये आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट और आखिरी क्वेश्चन है तो इनशाला ये हो जाता है तो इसके साथ लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा जी पार्ट नंबर तीन है दो बटे अंडर रूट पाँच जमा अंडर रूट तीन जमा एक बटे अंडर रूट तीन जमा अंडर रूट दो माइनस तीन बटे अंडर रूट पाँच जमा अंडर रूट दो तो इनको भी उसी तरह रैशनलाइज करना है पहला नंबर है दो बटे अंडर रूट पाँच प्लस अंडर रूट तीन जर्ब का साइन लगाया ये साइन उल्ट लेते हुए यानी अंडर रूट पाँच जमा अंडर रूट तीन है तो माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी प्लस आगे एक बटे अंडर रूट तीन जमा अंडर रूट दो है ये भी साइन उल्ट लेके अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट दो से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी आगे माइनस का साइन है तीन बटे अंडर रूट पाँच जमा अंडर रूट दो है लिखा और ये जो दरमियान में प्लस का साइन है इसका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ब्रैकेट्स लगा दी ताकि साइन हल करने में आसानी रहे ये तो बच्चों अगले स्टेप के अंदर ये दो अंडर रूट पाँच माइनस अंडर रूट तीन से मल्टीप्लाई कर गया ब्रैकेट लगाते हुए उसी तरह लिखा नीचे लहदा लैदा, लैदा स्केयर अंडर रूट फाइव का स्केयर माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर उसके बाद प्लस आगे वन मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू से वही आ गया नीचे अलहदा अहदा स्केयर अंडर रूट थ्री का स्केयर माइनस अंडर रूट टू का स्केयर आगे माइनस का साइन है ये जो थ्री है मल्टीप्लाई हो गया थ्री इंटू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू नीचे फिर अलीहद अलहदा स्केयर अंडर रूट फाइव का स्केयर माइनस अंडर रूट टू का स्केयर तो आगे चलेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे बटे के ऊपर वही कुछ रहेगा लेकिन यहाँ नीचे में जहां भी इसकेयर रूट है और स्केयर है सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे तो इनको कैंसिल करके सिंपलीफाई करके लिखते हैं जी बटे के ऊपर उसी तरह दो इंटू अंडर रूट पाँच माइनस अंडर रूट तीन नीचे ये स्केयर और इसके रूट कैंसिल हो गए थे पाँच आ गया ये भी स्केयर और इसकेयर रूट कैंसिल माइनस तीन आ गया उसके बाद प्लस अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट दो उसी तरह नीचे स्केयर से इसके रूट कैंसिल तीन माइनस स्केयर से इसके रूट कैंसिल दो आ गया आगे माइनस थ्री इंटू अंडर रूट पांच माइनस अंडर रूट दो नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हुए तो फाइव माइनस टू आ गया जी आगे टू इंटू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री नीचे पाँच में से तीन गए तो दो प्लस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू थ्री में से टू माइनस किए तो वन माइनस ऊपर अंडर रूट थ्री इंटू सॉरी थ्री इंटू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू नीचे फाइव में से टू माइनस किए तो थ्री ये टू से टू कैंसिल हो गया बाकी रह गया अंडर रूट पाँच माइनस अंडर रूट तीन आगे एक पे तकसीम हो रहा है डिवाइड हो रहा है कोई चेंज नहीं आएगी अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू आ गया आगे जी थ्री के साथ थ्री कैंसिल हो गया बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज हुए अंडर रूट पाँच माइनस का हो गया और माइनस का अंडर रूट टू प्लस का हो गया लिख दिया अब इनकी जमा तफरी करनी है लेकिन जो कैंसिल होते हैं कैंसल करेंगे अंडर रूट पाँच प्लस का है और ये अंडर रूट पाँच माइनस का कैंसिल अंडर रूट तीन माइनस का है ये प्लस का है कैंसल अंडर रूट टू माइनस का है और ये प्लस का है सारे ही कैंसल हो गए तो बच्चों जब प्लस माइनस में सारे कैंसल हो जाए तो बाकी जीरो रह जाता है इस तरह हमारा आंसर जीरो आ गया है और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़